क्या कोई टैंक जिंदा लाश बन सकता है? ये शब्द सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी। लेकिन ऐसा हुआ है यूक्रेन के अंदर। जब युद्ध शुरू हुआ था और यूक्रेन ने पुतिन की आर्मी को कीव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, उस वक्त नेटो ने बड़े उत्साह के साथ जेलेंस्की से ये वादा किया कि वो अपने हथियार और टैंक यूक्रेन को देंगे। लेकिन जब पुतिन के टैंकों की फॉर्म वापस आ गई तो नेटो के टैंक जिंदा लाश बन गए हैं। यानी कागजों पर तो ये टैंक अत्याधुनिक और शक्ति संपन्न है, लेकिन पुतिन के टैंकों के सामने इनकी हिम्मत जवाब दे रही है और इसके सबूत मिलना शुरू हो चुके हैं। एक हफ्ते में ऐसे दो देश सामने आए हैं जो अपने टैंक यूक्रेन में भेजना ही नहीं चाहते हैं। पहले नंबर पर है ब्रिटेन का टैंक और दूसरे नंबर पर है जर्मनी का टैंक। इन दोनों देशों के पास वैसे नाम के लिए तो अत्याधुनिक टैंक है, लेकिन जंग के डर से ये भगोड़े टैंक साबित हुए हैं। ये क्यों और कैसे हुआ है आपको समझाएंगे पूरी बात। साथ ही हम बात करेंगे सऊदी अरब में होने जा रहे शांति शिखर सम्मेलन की, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच सुलह समझौते की बात की जा रही है। सबसे पहले जर्मनी के लियोपार्ड टैंक की बात करेंगे जो पुतिन के डर से जिंदा लाश बनते जा रहे हैं। नाटो के सदस्य रहे जर्मनी ने पहले तो यूक्रेन से सैन्य मदद के बड़े बड़े वादे और दावे किए थे, लेकिन जब पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन को हर मोर्चे पर फस्त करना शुरू कर दिया तब जर्मनी कांप गया। जर्मनी अपने प्रसिद्ध लियोपोल्ड टैंक को यूक्रेन भेजने में आनाकानी कर रहा है। जर्मनी ने यह वादा किया था कि वो 110 लेपर्ड 1 मुख्य युद्धक टैंक यूक्रेन में भेजेगा। इसके अलावा 18 गैपर्ड टैंक भेजेगा। जर्मनी ने यह भी वादा किया था कि वो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और लगभग 26,350 राउंड तोपखाने का गोला बारूद यूक्रेन भेजेगा। जर्मनी ने यह भी कहा था कि वो 300 से ज्यादा टोही ड्रोन यूक्रेन भेजेगा, साथ ही एयर डिफेंस भी यूक्रेन रवाना कर देगा। लेकिन जो वादा जर्मनी की तरफ से किया गया था उसमें से कोई भी पूरी तरह से निभाया नहीं गया। जर्मनी ने वादा किया था कि वो 110 टैंक यूक्रेन भेजेगा, लेकिन मई से अब तक सिर्फ 10 टैंकों को यूक्रेन में जंग के लिए भेजा गया है। अब नेटो के कई देश और यूक्रेन के समर्थक भी जर्मनी की निंदा कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी के टैंक क्यों यूक्रेन में उतरना नहीं चाहते हैं? असली वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल हो ये रहा है कि ना तो यूक्रेन को और ना ही जर्मनी को जरा भी उम्मीद थी कि रूस की सेना नेटो के एडवांस टैंक को जलाकर राख कर देगी। जर्मनी का लेपर्ड 2, ब्रिटेन का चैलेंजर 2 और अमेरिका का एब्रम्स टैंक इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पुतिन के आदेश के बाद से रूसी सेना चुन चुन कर नेटो के टैंक तबाह कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि रूस की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर यूक्रेन के टैंक हमला करने से पहले ही रूस के हमले का शिकार हो रहे हैं। रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के कुल 800 टैंकों को उनकी सेना चुन चुन कर तबाह कर रही है। जिस तरह जर्मनी अपने टैंक यूक्रेन भेजने में आनाकानी कर रहा है, ठीक वैसा ही हाल ब्रिटेन का भी है। ब्रिटेन के टैंक तो खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन जंग में जाना नहीं चाहते। खुदकुशी का मतलब ये कि ब्रिटेन अपने टैंकों को रिटायर कर दे रहा है, लेकिन यूक्रेन के मैदान में नहीं भेज रहा है। पुतिन के टैंकों का डर साफ नजर आ रहा है। नाटो के टैंक पुतिन के खतरनाक टैंकों से इस कदर पिट रहे हैं कि पुतिन के विरोधियों को अजीबोगरीब फैसले लेने पड़ रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कथित तौर पर दर्जनों चैलेंजर 2 मुख्य युद्धक टैंक नष्ट कर दिए हैं। ये वो टैंक है जिनको पहले यूक्रेन में भेजे जाने की चर्चा थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने 43 चैलेंजर 2 टैंक सेना से बाहर कर दिए हैं।
रक्षा मंत्रालय ने इन 43 टैंकों को ये कहकर सेना से बाहर किया है कि अब इनको किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। एक इंटरनेशनल सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने इन 43 टैंकों को युद्ध से बाहर करने का फैसला लेकर ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स के लाखों पाउंड का नुकसान किया है। आखिर ब्रिटेन इतना क्यों डर गया है कि उसके टैंक ही युद्ध छोड़कर भागने लगे हैं? दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ये दावे कर रहे हैं कि इन टैंकों को अगर नष्ट ही करना था तो कम से कम यूक्रेन के मैदान में ही उतार देते, वहां कम से कम ये बैटल टैंक लड़कर तो खत्म होते। आखिर ब्रिटेन के टैंकों को खुदकुशी क्यों करवाई जा रही है? इसकी एक वजह ये भी है कि सिर्फ टैंक बेहतरीन होना ही काफी नहीं है, टैंक को चलाने वाले सैनिकों के अंदर भी काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। आप यकीन नहीं मानेंगे, यूक्रेन के टैंक सैनिक जंग में टैंक छोड़कर भाग रहे हैं। ये वही यूक्रेनी सैनिक हैं जो सिर्फ 45 से 60 दिन पहले जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से टैंक युद्ध की जबरदस्त ट्रेनिंग लेकर आए हैं। लेकिन जैसे ही यूक्रेनी सैनिकों को असली टैंक युद्ध का सामना करना पड़ा, इनके तोते उड़ गए। अब पुतिन की आर्मी नाटो के टैंकों को बुरी तरीके से फोड़ रही थी। उस वक्त पुतिन का एक बयान भी सामने आया था जिसमें पुतिन ने कहा था कि नाटो के टैंक नस्तो नाबूद किए जा रहे हैं। रूस नाटो से भी बड़ा सर्वशक्तिमान देश है। сфере мировых финансов, потому что используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, а по-другому и не скажешь, они порождают сомнения в надежности американской валюты как ब्रिटेन ही नहीं, 250 से ज्यादा टैंक अकेले नाटो देश यूक्रेन को दे चुके हैं। ये वो टैंक हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि रूस के T-72, T-80 और T-90 जैसे बेहद ताकतवर टैंक इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन पिछले हफ्ते दक्षिण पूर्व यूक्रेन में ज़ापोरिज़्या में रूसी सेना ने ऐसा कदर मचाया कि यूक्रेन की टैंक आर्मी जलकर राख हो गई। रूस के दावों के मुताबिक ज़ापोरिज़्या फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के 50 से ज्यादा टैंकों ने रूसी सेना पर हमला किया। दावों के मुताबिक रूस की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को यूक्रेन के टैंक सैनिक तोड़ना चाहते थे, इसीलिए चारों दिशाओं की तरफ से यूक्रेन अपने और नाटो से मिले टैंकों से एक साथ हमला रूसी सैनिकों पर कर दिया। लेकिन रूसी सेना ने हमले से बचाव करने की बजाय यूक्रेन के टैंकों पर सीधा हमला कर दिया। रूसी सैनिकों ने एंटी टैंक मिसाइल और बमों से यूक्रेन के टैंकों पर इतना जबरदस्त वार किया कि देखते ही रूस के हमले में यूक्रेन के 22 टैंक मौके पर ही जलकर राख हो गए। यूक्रेन को 22 टैंकों का ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि यूक्रेन के 10 बख्तरबंद वाहन भी तबाह हो गए। रूस का दावा है कि 22 टैंकों के अलावा यूक्रेन के 100 टैंक सैनिक भी मौके पर ही मारे गए। यूक्रेन को ब्रिटेन के द्वारा 28 चैलेंजर टैंक देने की बात हुई थी। कहा जा रहा है कि इसमें 14 टैंक यूक्रेन की धरती पर लड़ने भी गए, लेकिन उनकी बहुत भद्दपिटी है। पुतिन ने अपने बयानों से इसकी पुष्टि भी की है। Кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация Соединенных Штатов устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. वहीं पुतिन का रुख अब इस युद्ध को लेकर इतना कड़ा हो चुका है कि वो यूक्रेन युद्ध को सुलझाने के लिए जारी सबसे बड़ी बैठक में भी कहीं शामिल नहीं है। यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए सऊदी अरब शनिवार से 2 दिवसीय शांति वार्ता की मेजबानी करने जा रहा है। ये शांति शिखर सम्मेलन यूक्रेन की ओर से सुझाए गए 10 सूत्रीय शांति योजना पर आधारित है। इसे यूक्रेन की 10 सूत्रीय शांति योजना पर चर्चा के लिए सऊदी अरब के एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसमें युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना, यूक्रेन से सभी रूस के सैनिकों को वापस बुलाना और अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करना शामिल। लेकिन रूस के मीडिया में जिस तरह के लेख और एक्सपर्ट्स के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि शिखर सम्मेलन से जंग रुक पाना आसान नहीं है। रशियन टुडे के एक लेख के मुताबिक किसी भी शांति समझौते को लेकर रूस की स्थिति पहले से ही स्पष्ट हो चुकी है। मॉस्को युद्ध विराम चाहता है लेकिन रूस के द्वारा जीते गए यूक्रेन के 4 हिस्से वो नहीं छोड़ेगा।
दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस 1991 में मौजूद बॉर्डर पर अपने सैनिकों को वापस ले ले। ज़ेलेंस्की के इस रुख को रूस पसंद नहीं करेगा। सऊदी अरब में शिखर सम्मेलन का असली उद्देश्य क्या है? दरअसल ये अमेरिका के द्वारा समर्थित है और इसका मुख्य मकसद यूक्रेन के हित साधना है। Международных усилий наша команда працює в Джидді, в Саудовській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру. Загалом там представлені 42 країни, різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок заснований на правилах та порушення російською агресією має бути відновлений. Дуже важливо, щоб там на полях. Яні एकदम साफ है, युद्ध विराम के लिए नुकसान यूक्रेन को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि रूस अपना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।